यूपी में निकाय चुनाव के मतदान के बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए अब राजनीतिक दलों के बीच गहमा गहमी और वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। लेकिन ये वार पलटवार अनोखा है, क्योंकि पहले बीजेपी ने सपा पर लगभग 4.5 मिनट का गाना बनाकर निशाना साधा, उसके बाद सपा ने भी 0.5 मिनट से कम का गीत बनाकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के गाने के बोल गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, तो वहीं सपा के गाने के बोल जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे। सपा के इस गाने में दावा किया गया है कि यूपी में बीजेपी राज में महंगाई, बेरोजगारी और व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। वहीं बीजेपी की ओर से शेयर किए गाने को सपा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कानूनी सहारा लेने का मन बनाया है। सपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कहा गया है कि वह इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी। सपा का आरोप है कि बीजेपी ने अपने वीडियो में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मानहानि की है। उधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक वीडियो ट्वीट कर दिया। इसमें उन्होंने लिखा, भाजपा आज सड़क छाप गुंडों की भाषा की प्रतीक और किसी का भी चरित्र हनन करने वाली पाठशाला बन गई है। सपा की जड़ों में लोकतंत्र, समता और एकता के मूल्य बहुत गहरे हैं। तमाम जुल्मों और षड्यंत्रों के बावजूद हम उठ खड़े होंगे। अखिलेश आइए, जनता पुकारती है खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। बता दें कि बीजेपी यूपी के ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए 4 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें अखिलेश की तस्वीरों के साथ गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से टोटी चोरी के प्रकरण, मुजफ्फरनगर दंगों, मुख्तार अंसारी और अतीक का भी जिक्र किया गया है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।